हाँ फ्रेंड्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए, 24 क्वेश्चन को पढ़ोगे आप, जल्दीबाजी कर दोगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसमें कोई प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं पूछ रहा है, इसमें बस आउटकम्स पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग व्हिच कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक एंड 4 ब्लू बॉल्स। एक बैग है बच्चों, और इस बैग में आपके पास 5 रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक। उसके बाद 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और इसी तरीके से इस बैग के अंदर आपके पास 4 ब्लू बॉल्स हैं। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, शुरुआत में ही उसने क्वेश्चन पूछ लिया है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताने। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे क्या कितने हो जाएंगे, तो जवाब है जितनी बॉल्स हैं, ऑब्वियसली जितनी बॉल्स हैं, 5 प्लस 5, 5 प्लस 3 था, रेड 3 थी, रेड 5 नहीं है, रेड कितनी है, 3 है, ओके। सो रेड बॉल आपकी कितनी है, 3 बॉल्स हैं, ओके। सो रेड को 3 कर देते हैं यहाँ पे, हाँ। तो जितने बॉल्स हैं उतने ही पॉसिबल आउटकम है भाई, आप खुद सोचो। या तो रेड में तीनों रेड में से कोई एक बॉल आ सकती है, मतलब या तो फर्स्ट वाली रेड आएगी, या तो सेकंड वाली रेड आएगी, या तो थर्ड वाली रेड आएगी, तीन आउटकम तो ये हो गए। इसी तरीके से 5 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी कि या तो फर्स्ट वाली ब्लैक आएगी, या तो सेकंड वाली ब्लैक आएगी, या तो थर्ड वाली ब्लैक आएगी, या तो फोर्थ वाली ब्लैक आएगी, या तो फिफ्थ वाली ब्लैक बॉल आएगी आपके हाथ में, बैग में हाथ डाल के ऐसा निकालोगे ना, ठीक। यानी कि 5 आउटकम्स तो ब्लैक वाले के लिए हो गए, और इसी तरीके से 4 ब्लू बॉल्स हैं, यानी कि फर्स्ट वाली या तो ब्लू बॉल आएगी, या तो सेकंड आएगी, या तो थर्ड आएगी, या तो फोर्थ आएगी, ठीक। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।